भारतीय जनता पार्टी जिला गुना द्वारा आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने संबोधित कर शिवराज सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार एवं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 3 वर्ष में प्रदेश को विकास की गति मिली है। शिवराज सरकार ने कोरोना संकट काल में प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही और पूरे प्रदेश को निःशुल्क टीकाकरण कराकर कोरोना संक्रमण से बचाया। वहीं कांग्रेस की जो 15 माह के कार्यकाल में कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में प्रदेश को बीमारू और बेरोजगार प्रदेश बनाकर रख दिया था, कांग्रेस की बंटाधार सरकार ने शिवराज सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं को बंद करके प्रदेश को जनता को अंधेरे में धकेलने का काम किया था। विधायक और मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो आम आदमी की क्या सुनवाई होती। तभी हम सब ने मिलकर जब 2020 में शिवराज सरकार बनाई तो फिर से वही सब योजना चालू करके बहन बेटी किसान मजदूर के हित के लिए योजनाओं का बनाकर धरातल पर उतार कर उनको जन कल्याणकारी योजना बना लोगों को लाभ पहुँचाने का काम किया है। शिवराज सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतकर हर वर्ग के हितों के लिए कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जनहित समाज कल्याण और राष्ट्र निर्माण के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना बनाकर बहनों को आत्मनिर्भर सशक्तिकरण का काम किया है। बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह की और ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरी तरह से जमीन से जुड़ा हुआ है, धरातल से जुड़ा हुआ है, एक आम इंसान की चिंता करने वाला व्यक्ति और उनकी विशेष उल्लेखनीय उपलब्धि में 3 वर्षों में मानता हूँ कि कोरोना के समय में जहाँ कमलनाथ सरकार पूरी तरह से फेल हो गई थी और शिवराज सिंह जी ने नेतृत्व संभालते ही सबसे पहले जो कोरोना पे जंग उन्होंने जो लड़ी वो ऐतिहासिक थी और उससे हमारे मध्य प्रदेश की जनता सुरक्षित रही, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, इन्हीं सब उपलब्धियों को लिए हम उनको बधाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी का काम ही विरोध करना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको निष्कासित किया नहीं है। भाई अदालत का निर्णय अगर कांग्रेस को नहीं मानना तो बोल दें कि अदालत का निर्णय नहीं मानते हम। ये तो कुछ स्पीकर ने किया है, अगर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, पार्लियामेंट ने निष्कासित किया तो तुरंत बेल भी तो मिल गई। नहीं नहीं, बेल कोर्ट ने दी, निष्कासन सदस्यता से निष्कासन किया। चलिए अभी अभी आज जो पत्रकार वार्ता है ये 3 वर्ष पूर्ण हो रहा है। कमलनाथ जी अभी घोषणा की है कि सरकार सही 500 करोड़ पहले कर्ज माफी की थी, कितने कर्ज माफ हो गए? बीजेपी भी ऐसे कुछ काम लेके आई नहीं, बीजेपी तो जो कहती है वो करती है। सामने देखिए ना, किसान सम्मान निधि बोला तो करा, लाडली बहना का है तो करा, साथ समूह पर बैंक लिख के दे रहे तो दे रहे, मगर विश्वास की बात होती है। चुनाव आ गए तो आपने घोषणा कर दी, तो कांग्रेस पार्टी जनता में आम जन में अपना विश्वास खो चुकी है। उनकी घोषणाओं पर किसी जनता को विश्वास नहीं रहा। भाजपा ने जो घोषणा करी है ऐसी कोई बात बता जो उनने पूरी नहीं करी। बमोरी में जो स्वास्थ्य शिविर लगा था उसकी क्या उपलब्धता रही भाई साहब? स्वास्थ्य शिविर की क्या उपलब्धता हो नहीं, मतलब कितने उस पर एक नेता ने भी आरोप लगाया भाजपा के कि वहाँ पर सुविधा नहीं थी, कि आप जाके देख लें और वो जिन नेता जी ने आरोप लगाया वो जाके देख लें। नहीं, कितने हजारों को आपने भोपाल में जाए, 7,500 लोगों का कुल पंजीयन हुआ, 800 लोग भोपाल में ट्रीटमेंट हुआ और 800 लोग और हम लोगों के भी 3 वर्ष पूर्ण हुए और मध्य प्रदेश में इन 3 वर्षों में असंख्य उपलब्धियाँ मध्य प्रदेश की सरकार ने हुई, चाहे वो ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, चाहे पंचायतों का हो, चाहे अन्य विभागों का हो, मध्य प्रदेश ने असंख्य उपलब्धियाँ प्राप्त की और आज जो बड़ी बड़ी योजनाएँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आ रही हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं।
और शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का जबरदस्त विकास संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है। पैसा एक्ट जैसे कानून निवासी ब्लॉक्स में आदिवासी ट्राइबल एरियाज में आए हैं, जिसका लाभ आदिवासियों को निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बहना हो, संबल योजना जो कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी, उसको पुनः उसका संधारण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, और विशेष रूप से मेगा बहरिया शहरिया के लिए जो 1000 रुपये कमलनाथ की गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, उसका पुनः चालू कराकर गरीबों को और नारी सशक्तिकरण की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान रखा है। तो मैं 3 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, गुना की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का करता हूँ, और इसी उम्मीद के साथ कि मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में आगे तरक्की करता रहे। और लाडली बहना जैसी योजना जो भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में नहीं है, मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है, उसका लाभ असंख्य महिलाओं को मिलने वाला है। आज इतनी भीड़ है गांव में कि पोर्टल पूरा ओवरलोड होकर बंद हो चुका है, इसलिए ऑफलाइन फॉर्म से भरे जा रहे हैं। मैं अभी उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो हर क्षेत्र में हम देखें, चाहे वो युवा युवती की ओर उनका लीडर रहा हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की तरफ रहा हो, हर क्षेत्र में किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि 6000 रुपये साल माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, 4000 रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अल्प समय में एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और ऐसा मुख्यमंत्री